ये हैं कांस्टेबल बलवीर सिंह यादव, जो SAF की 29वीं वाहिनी में पदस्थ हैं। इनकी ड्यूटी कुछ खास है। ये भगवान राम राजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओरछा में देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर राजा के रूप में राम राजा सरकार को सशस्त्र सलामी दी जाती है, वह भी दिन में 4 बार। सलामी देगा, सलामी। राम नवमी पर जानेंगे भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर देने की कहानी। ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। पहले तलवार, उसके बाद तोप और अब बंदूक से ये परंपरा निभाई जा रही है। ओरछा रियासत की रानी कुंवरी गणेश संवत 1631 में अयोध्या से राम राजा सरकार को ओरछा लाई थी। 1947 में अंतिम शासक वीर सिंह जुदेव द्वितीय ने रियासत का उत्तरदायित्व सरकार को सौंप दिया और शर्त रखी कि राजशाही परंपरा की तरह राम राजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। तभी से सरकार की ओर से इस काम के लिए SAF की 1-4 की टुकड़ी तैनात है। मैंने बहुत सलामी दी है वरिष्ठ अधिकारियों को, लेकिन प्रभु की सलामी देने का आनंद ही दूसरा है। प्रभु की सलामी में जो मनोकामनाएं मैंने मांगी लगभग वो पूर्ण हुई। मुझे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस है कि मैं भगवान को सलामी देता हूँ। भगवान को जब मैं सलामी देता हूँ, साक्षात राजा विराजमान है। कई लोगों की मैं अर्जी भी लगाता हूँ, बोलते हैं तो राजा उनकी मनोकामना पूरी होती है। राम नवमी पर्व को लेकर लोगों में कुछ उत्साह बना हुआ है। ये 12 बजे भगवान अवतार लेंगे और अवतार पर उनका जन्म महोत्सव मनाया जाएगा और मंदिर बंद हो जाएगा। सायंकाल के समय हमारे राम राजा सरकार बाहर दालान में आएंगे, जो भक्तों को दर्शन देंगे रात्रि 8 बजे से। यहाँ राम राजा सरकार का भक्तों से प्रजा जैसा संबंध है। ओरछा में आने वाले किसी VIP या VVIP को पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देती। दैनिक भास्कर के लिए ओरछा से अनुज शर्मा के साथ मयंक दुबे की रिपोर्ट।